हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले यूरोपियन क्रिकेट चैंपियनशिप का आज के दिन का पहला और ओवरऑल छठा मुकाबले के बारे में, जो कि खेला जाएगा साइप्रस और सर्बिया के बीच में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से प्लेयर को आप स्मॉल लीग में ट्राई करके जा सकते हो एंड कौन से प्लेयर को आपको जीएल में ट्राई करके चलना है। सब कुछ इस वीडियो में डिटेल वाइज कवर करेंगे, ताकि जब आप स्मॉल लीग की टीम क्रिएट करोगे आपको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और एक बेटर टीम क्रिएट करके जा सकते हो आप। देखो, ये प्रॉपर स्टैट्स वाला वीडियो नहीं है, जस्ट मैं आपको ड्रीम इलेवन पे समझा दे रहा हूँ कि कौन सा प्लेयर आपके लिए स्मॉल लीग में इंपॉर्टेंट रहेगा और किस वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा स्मॉल लीग में। इसके साथ मैं आपको बताऊंगा एंड प्लेयर्स का बैटिंग पोजीशन क्या हो सकता है, कौन सा गेंदबाज आपको दो ओवर की गेंदबाजी करते हुए दिख सकता है, सब कुछ आपको कवर करके बता देंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, बिना किसी एक भी पार्ट को स्किप किए। हाँ, एक लाइक भी जरूर कर देना आप लोग। चलो बात करते हैं वेन्यू का। तो काटमा ओवल काटमा में ये मैच खेला जाएगा, जहाँ की पिच की बात किया जाए तो बैटिंग फ्रेंडली पिच आपको देखने को मिलेगा, जहाँ बल्लेबाज बैटिंग करना इंजॉय कर सकते हैं और अच्छे खासे का रन स्कोर करके जा सकते हैं। देखो, इस पिच पर हमें मैक्सिमम मैचेस में, जितने अभी तक हमने यूरोपियन क्रिकेट में मैचेस देखे, सब में 150+ रन स्कोर करके जा रही है टीम, और जो वीक टीम है वही आपको 130-120 रन स्कोर कर रही है। तो यहाँ पर साइप्रस भी ठीक ठाक टीम है, हाँ सर्बिया थोड़ी सी वीक टीम है, बट हाँ इतना भी नहीं है कि आपको 130-140 रन भी स्कोर ना कर पाए। तो यार, एक बाउंड्री छोटा होता है जिसकी वजह से बल्लेबाज अच्छा खासा फ़ायदा उठाकर जाते हैं। बाकी ये देखो, ये पिच पेसर्स के लिए अच्छा है, पिच मतलब स्पिनर्स और पेसर्स में कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि इस पिच पर देखो ना, तो बाउंड्री एक तो छोटा होता है, तो स्पिनर्स को अगर जो ओवर मिलता है तो बैट्समैन उनको टारगेट करते हैं, जिसके वजह से उनको मार पड़ जाती है और बल्ले जो कैप्टन होते हैं उनको दूसरा ओवर कराते नहीं है, तो इस वजह से कई बार उनके ओवर कट हो जाते हैं और कई बार वो तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनको विकेट भी कम मिलता है। तो इस वजह से पेसर्स अपने क्वालिटी पिक करके चलना, जितने भी क्वालिटी पेसर्स होंगे अपने टीम में ट्राई करके चले जाना। बाकी वेदर का बात किया जाए तो बारिश का मौसम दिख रहा है, बट जितने 3 दिन में मैचेस हुए उसमें थोड़ा सा भी बारिश का नामो निशान नहीं देखने को मिला है, तो हम इस मैच में भी एक्सपेक्ट करके चलते कि पूरा मैच हमें देखने को मिलेगा। बाकी अगर रिसेंट फॉर्म का बात किया जाए तो देखो, एवरेज स्कोर का सबसे पहले शुरुआत करते हैं, 153 रन का है। जैसा कि मैंने बताया, अगर अदर T10 में देखोगे ना, लाइक क्रोएशिया में हमने देखा था कि 100 के नीचे एवरेज स्कोर आ गया था, बट यहाँ पर क्वालिटी टीम्स मैच खेल रही है एंड उनके पास क्वालिटी प्लेयर है, लाइक वीक टीम भी आपको 130-140 रन भी स्कोर कर दे रही है, तो हम यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मैच एक्सपेक्ट करके जाते हैं जिसमें एक हाई स्कोरिंग गेम हमें देखने को मिलेगा। बाकी लास्ट के 5 मैचेस में 37 विकेट गिरे हैं, जिसमें से 31 विकेट पेसर्स ने और सिर्फ 6 विकेट आपको स्पिनर्स ने पिक कर रखा है। देखो, पहले तो ये सिर्फ 5-10% का सिलेक्शन रहता था जो विकेट पिक करने का स्पिनर का कॉलम, बट अब बढ़ के धीरे धीरे 20% हो गया, और जितने क्वालिटी पेसर्स हैं वो तो ऑलमोस्ट पिक करके जा रहे हैं विकेट। तो क्वालिटी पेसर्स को पिक करके चलना और स्पिनर्स वो पिक करना जो आपको गेंदबाजी से भी कुछ कंट्रीब्यूट करके जा सकते हैं। बात करते हैं देखो रिसेंट फॉर्म का, तो साइप्रस ने 5 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं और 3 मुकाबले हारे हैं, तो इनका थोड़ा सा प्रदर्शन ठीक ठाक है, इतना भी अच्छा नहीं कह सकते कि हाँ ये बड़ी टीमों का हरा सकती है, बट हाँ इनके पास ऐसा प्रदर्शन है कि ये काफ़ी एवरेज प्रदर्शन करके आ रहे हैं। सर्बिया का काफ़ी बुरा हाल है, 5 मैच खेले और 5 के 5 हार कर आ रहे हैं, तो सर्बिया को अपने टीम में जितने इनके कम प्लेयर्स पिक करके जा सकते हो चले जाना, और ज़्यादातर ट्राई करना साइप्रस के प्लेयर्स को अपने टीम में ट्राई करने का। देखो, अब बात कर लेते हैं टॉप पिक इस मैच में कौन कौन से रह सकते हैं। सर्बिया की तरफ से बात करें तो W Burton और MIO। देखो, MIO को मैंने लास्ट मैच पिक नहीं किया था क्योंकि मेरे को उतना अच्छा प्लेयर लग नहीं रहे थे, बट W Burton आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक होंगे, जो कि ऑलमोस्ट 2 ओवर की गेंदबाजी करते हैं और आपको बल्लेबाजी में भी टॉप 5 में बल्लेबाजी करने के लिए टीम भेज देती है इनको। बाकी V Jinmonjik, इनको अपनी टीम में एक ट्रम्प प्लेयर ग्रुप में ट्राई करना, ये ऐसे प्लेयर में से हैं जो आपको बैटिंग से मैक्सिमम योगदान करके जाते हैं और बॉलिंग से भी करके जा सकते हैं, ये भी आप बात ध्यान में रख के चलो। बाकी अगर बात करें साइप्रस की, तो A Sahai और S Burdekin और C Sadun। देखो, इन तीनों में से अभी उतना कोई बैटिंग पोजीशन किसी का उतना फिक्स नहीं लग रहा है, जैसे बैटिंग पोजीशन फिक्स लगेगा ऑलमोस्ट हम टीम में ट्राई कर सकते हैं, बट A Sahai और C Sadun पर थोड़ा नज़र बना के और Burdekin पर जा सकते हो इस मैच में। बात करते हैं देखो बैटिंग ऑर्डर का, जो कि दोनों टीम्स का लास्ट के 3 मैचेस में कौन कौन से प्लेयर आपको कौन कौन से बैटिंग पोजीशन पे आए थे, सब कुछ आपको बताता हूँ। बट देखो, आपको प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर चाहिए, प्रॉपर प्लेइंग 11 चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर भी मिलेगा, प्रॉपर प्लेइंग 11 भी मिलेगा, और कौन सा गेंदबाज आपको 2 ओवर की गेंदबाजी कर सकता है अगर कोई नया गेंदबाज खेलता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो वहाँ पे। बाकी देखो सिप्रस का बात किया जाए तो एस बुरडेकिन और सी सारून और आर मजूमदार ये आपको टॉप थ्री में बैटिंग करते दिखे थे लास्ट मैच में, और इनका मैक्सिमम टाइम एस बुरडेकिन ओपन करते हैं, हाँ सी सारून का बैटिंग पोजिशन नीचे रहता है और आर मजूमदार कभी कभार ओपनिंग करके आ सकते हैं। तो ये टॉप फाइव में मान लो कि बैटिंग करेंगे, तीन तीनों को हम अपने टीम में ट्राई करके जा सकते हैं। एम गुना से करा थोड़ा इन पर नज़र बना के चलना, ये उनमें से हैं जो आपको मैक्सिमम टाइम अच्छे खासे पॉइंट देकर जाते हैं। बाकी आर सी रिवार्ड देना अगर टॉप फाइव से नीचे बैटिंग करते हैं तब तो इनको ड्रॉप करके चलना, क्योंकि फिर उतने अच्छे चॉइस रहेंगे नहीं। ए सहाई इनको आप अपने टीम में ट्राई कर लेना, बॉलिंग तो डेफिनेटली आपको दो ओवर कराते दिख सकते हैं, बैटिंग उतना कन्फर्म नहीं कि कौन से नंबर पर आपको बैटिंग करने आएंगे। बाकी उसके नीचे के पाँच बैट्समैन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता उनका बैटिंग पोजिशन। बाकी देखो सर्बिया का बात करें तो लुका वुड्स एक मैच में इन्होंने ओपनिंग किया था और ऑलमोस्ट इनका कन्फर्म है कि ओपनिंग करेंगे और दो ओवर की प्रॉपर गेंदबाजी करके जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया एन जिन मोन्जिक पे आप थोड़ा सा ट्रंप प्लेयर के रूप में खेल सकते हो, ये आपको अच्छे खासे पॉइंट देकर जा सकते हैं, एक अच्छे बल्लेबाज है बट लोग इनको कई बार इग्नोर करके जा सकते हैं। ए डिजीजा इनको देखो मैक्सिमम टाइम ए डिजीजा ओपनिंग करते हैं, तो इस मैच में अगर ओपनिंग करते हैं तो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे, और नंबर तीन पर भी आते हैं तो थोड़ा सोचेंगे, और नंबर वन पे ओपनिंग में भी आएंगे तो सोचेंगे कैसे क्या करना है, वो आफ्टर टॉस इन पर डिपेंड करेगा हमारा। एम आयो का बात किया जाए तो देखो बैटिंग तो ये मान लो कि टॉप थ्री में या टॉप फोर में ही करते हैं, बट मैं कहूँगा कि इनको अपने टीम में ट्राई करके चलना, इनका परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक लग रहा है। डब्ल्यू बॉयटन का बात किया जाए तो डब्ल्यू बॉयटन भी एक अच्छे खासे प्लेयर हो सकते हैं इस मैच में, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था ये ऐसे प्लेयर्स में से हैं जो आपको मैक्सिमम टाइम परफॉर्म करके जाते हैं। एस्ट्रोस की ये देखो बाकी के नीचे के पाँच छः उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते, तो जो टॉप सिक्स में उनको अपने टीम में ट्राई करके चले जाना। देखो अब बात कर लेते हैं टीम का, दोनों टीम्स का मैं आपको लास्ट मैच का प्लेइंग 11 दिखा देता हूं जो दोनों टीम्स का था। देखो सर्बिया की तरफ से लुका वुड्स और ए डिजीजा ओपनिंग करने आए थे, और नंबर तीन पर आपको एम अयोध शो किया था बट ये नंबर चार पर आपको बैटिंग करने आए थे, और डब्ल्यू बर्टन नंबर चार पे बैटिंग शो हुआ था बट नंबर पाँच पे बैटिंग करने आए, और यहाँ से वी जिन मोन्जी को नंबर पाँच पे शो किया और ओपनिंग बैटिंग करा दिया था। तो मेन दिक्कत यही पर पड़ जाता है कि इनका जो बैटिंग ऑर्डर कुछ और शो कर देता है और खिला किसी और को देते हैं, तो थोड़ा सा ये रिस्क बन जाता है। इसके वजह से आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर ये रिस्क अवॉइड करना है तो। बाकी पी नंडेजिक ये रहेंगे, एन जिनमोन्जिक और यहाँ से एम सारेनाक और आर अडेमी और आर हार्टली ये सब प्लेयर्स हैं। इनमें बॉलर में एक ही प्लेयर मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो है एम सारेनाक। इनका मैंने पहले मैच में भी आपको बताया था ये एक इंपॉर्टेंट बॉलर है, इनको आप ट्राई करके जा सकते हो। बाकी एस बुरडेकिन और सी सारून दोनों ओपनिंग करते हुए नजर आए थे लास्ट मैच में भी, और इस मैच में भी डेफिनेटली ओपनिंग कर सकते हैं, और दोनों ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लाइक आर मजूमदार टॉप थ्री और टॉप फोर इन चारों को अपने टीम से मिस मत करना। आर श्रीवर्धना पर रिस्क ले सकते हो, इनको ट्राई डिफॉल्ट मतलब ड्रॉप करके जा सकते हो, क्योंकि सिर्फ ये बैटिंग से योगदान करेंगे तो उतने हम ऐसे इनको इग्नोर करके चलेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। बाकी ए सहाई को दो ओवर कन्फर्म गेंदबाजी मिलता है तो इनको अपने टीम में ट्राई करेंगे। पी दियोल बहुत नीचे आते हैं, एन पतिराना बहुत नीचे आते हैं, एच सिंह और बी खंडूरी और ए चौधरी में से इतना अच्छा कोई है नहीं, तो हम जिनको आप बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं। देखो अब बात कर लेते हैं विकेट कीपिंग से, शुरुआत करते हैं। देखो सबका बैटिंग पोजीशन बहुत डाउन द ऑर्डर है, ऑलमोस्ट नंबर छः से नीचे ही सब बैटिंग कर रहे हैं, बट आर डूनबार उसमें से एट डूनबार सॉरी अच्छे ऑप्शन है जो आपको ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के चांसेस रखते हैं। बाकी एन पतिराना पी दियोल इनको आप जेएल में रोटेट करके चलना। बात करें बैटिंग में तो आर मजूमदार एम अयो का ट्राई कर सकते हो आप, बाकी यहाँ से ए डीजी जा देखेंगे, अगर इनसे कोई बेटर ऑप्शन नहीं होगा तब इनको हम ट्राई करके जा सकते हैं। बाकी ऑलराउंडर में लुका वुड्स एस बुरडेकिन और यहाँ से एम गुनासेकरा सी सार्डून और डब्ल्यू वर्टन और वी जिन मोन्जिक को मैं ट्राई करूँगा जो लास्ट मैच में ओपनिंग करने आए थे बैटिंग करने। बाकी एम सारेनाक और ए सहाई को मैं अपने टीम में ट्राई कर लूँगा, एज अ डिफॉल्ट तो नहीं कह सकते, बॉलिंग में काफ़ी रिस्क रहेगा तो मैं आफ्टर टॉस कुछ चीज़ें अपडेट करूँगा। बट ये अभी के लिए हमारी टीम बनती है जिसमें अगर बात करें कैप्टनसी तो लुका वुड्स फोर श्योर रहेंगे, और वाइस कैप्टनसी एस बुरडेकिन और एम गुनासेकरा, दोनों में से किसी एक को करके जा सकते हो, बट एम गुनासेकरा तेज गेंदबाज है और दो ओवर इनका ऑलमोस्ट कन्फर्म रहता है, बट नंबर चार पर बैटिंग करने आता है, थोड़ा सा बैटिंग डिसएडवांटेज रखते हैं। बाकी वहीं पर एस बुरडेकिन ओपनिंग तो आ जाते हैं बट इनका ओवर कन्फर्म नहीं रहता है, तो आप इनमें से रोटेट करके जा सकते हो जो आपको अच्छा लगेगा। बाकी अगर जीएल में अच्छा खासा प्राइजेस है तो मैं आपको एक जीएल की टीम भी दे देता हूँ। ओपनिंग में ए डूनबार को पिक कर रखा है, बैटिंग में आर मजूमदार और एम अयो को, ऑलराउंडर सेक्शन
सेक्शन में सी साडून, एम गुनासेकर और डब्ल्यू बर्टन, और बॉलिंग सेक्शन में बी जिनमोंजिक, सॉरी ई ऑलराउंडर ये, एस बोडेकिन और लुका वुड्स। बॉलिंग सेक्शन में एम सारेना, ए सहाई को ट्राई कर रखा है। बात कर लेते हैं अब एक मिनी जेल की टीम आपको दे देते हैं। देखो यहाँ से कुछ चेंजेस नहीं होगा, यहाँ से भी कुछ चेंजेस नहीं होगा। एम सहाई के प्लेस पे वी खंडूरी का थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं थोड़ा वाइस कैप्टनसी में रिस्क ले लेता हूँ, वाइस कैप्टनसी एस बोडेकिन को करके जा जाऊँ। तो ये हमारी एक मिनी जेल की टीम है, आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली यूज़ कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट मैच के वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।